हेलो दोस्तों, तो फाइनली मेरा भी ज्वाइनिंग हो गया है आज इनकम टैक्स गुड़गांव में। फाइनली ज्वाइन कर लिया। पहले दिन मेरा ऑफिस का था, तो पहले दिन मैं ऑफिस में गया तो फाइनली मैं जल्दी पहुंच गया था, तो वहां पर कोई था नहीं ऑफिस में, तो मैं काफ़ी जल्दी चला गया, तो मुझे वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद फिर वहां पर जो प्राइवेट वाले MTS थे वो तो पहले खोल के देख रहे थे हमें कि ये हमें आ गए हैं तो हमारा जॉब खाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें बहुत देर वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद फिर वहाँ पे फाइनली इंस्पेक्टर का एंट्री होता है, फिर DO आते हैं, फिर SO आते हैं, वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर क्या होता है कि उसके पहले जो फाइनली मेरा जॉइनिंग रुका हुआ था, तो उन्होंने जो मेरा लेटर था, जॉइनिंग लेटर, वो लिया, उस पर स्टम्प मार के दिया मुझे, तो उसके मतलब मेरा जॉइनिंग वहाँ पर हो गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूनियन ने हमें सबको एक ग्रुप में बुलाया, जैसे कि इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया, हर जगह उसका एक यूनियन है जो कि बहुत स्ट्रांग है MTS वालों के लिए। तो जिनका जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है इनकम टैक्स में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, तो यूनियन के पास आप जरूर जाओ। यूनियन विल हेल्प यू अलॉट। उसमें क्या होगा कि यूनियन आपको बहुत मदद करता है, यूनियन आपको गाइड करता है। तो उसी हिसाब से मेरे साथ भी हुआ कि यूनियन ने हमें बुलाया गया। बुलाने के बाद फिर हमें क्या किया गया कि सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप लोगों को काम डिफाइंड नहीं है, लेकिन आप लोग क्या क्या काम करना पड़ सकता है और क्या क्या ऑफिसर्स करवा सकते हैं, आपको क्या अवॉइड करना है, बहुत सारे से वार्निंग दिया गया, बहुत सारा समझाया गया क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। छुट्टी के बारे में बताया गया कि छुट्टी जो होती है जो आपका हायर अथॉरिटी होता है उसके पास जाकर अप्लाई करना होता है। देखिए फिर उसके बाद यूनियन ने काफ़ी समझाने के बाद हमें फाइनली बोला कि आप जाओ, आप अपने काम में लग जाओ। तो मैं तो सारा दिन था इंस्पेक्टर सामने बैठा हुआ था, तो वैसे कुछ खास काम मुझे मिला नहीं करने के लिए। तो इंस्पेक्टर अच्छे थे मेरे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, बता रहे थे कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो। तो काफ़ी सारे बात करते करते इस तरह से शाम हो गया, तो फिर फाइनली मैं निकल गया। तो मेरे साथ दो लोग और थे, तो मैं उनको भी बताऊँगा कि उनका भी एक्सपीरियंस क्या रहा है, कैसा रहा। तो पहले बार संदीप भाई है, संदीप भाई हेलो, ये संदीप भाई हैं। हेलो संदीप भाई, आपका पहला दिन ऑफिस में कैसा गया, मतलब क्या कर बीता? पहले तो ऑफिस में पहुंचा, हम लोग थोड़ी जल्दी पहुंच गए थे, तो जाके बैठे, सर बुलाए, गए, सर आए 10 बजे के करीब। तो थोड़ा बहुत काम सिखाया उन्होंने, मतलब बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्री वगैरह लिखना पड़ता है और जेरोक्स वेरोक्स निकालना पड़ता है, तो वो सब सिखाया थोड़ी बहुत। फिर यूनियन रूम में बुलाया। एक बात बता दूं आप सबको, यूनियन में जुड़ना ऑप्शनल है, पर मैं रिकमेंड करूंगा जरूर जुड़ जाए। वो बोल रहे थे कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप चाहो जुड़ सकते हो, लेकिन नहीं जुड़ने में आपका नुकसान है। हाँ, नहीं जुड़ने में नुकसान है, आपका पर्सनल नुकसान है, क्योंकि आप जुड़ जाओगे तो फायदे में रहोगे। जुड़ जाओ उनसे, न्यूट्रल रहो, ज्यादा एक्टिव नहीं होना है, लेकिन उनसे जुड़े रहना, ठीक है, जरूरी है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मतलब सर थोड़े से मतलब भाषण दिए सबको, हम सब सुने, वो खत्म हुआ। उसके बाद जिसका भी जो डिपार्टमेंट था, जैसे मेरा TDS है, पंकज भाई का शायद इन्वेस्टिगेशन है, तो हम अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। अच्छा, ड्यूटी टाइम है सुबह 9 बजे से साढ़े छः बजे तक, ये ऑफिशियल है, पर अगर कभी जल्दी निकलना हो तो वो मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो पहला दिन का वर्क था 6 बजे तक। बेसिकली संदीप भाई को भी बस वही था कि वेट करना था। इनका इंस्पेक्टर काफी अच्छा था, इनका इंस्पेक्टर तो यूनियन का लीडर ही था। इनका लीडर ही था यूनियन इंस्पेक्टर का, तो बहुत हेल्प मिला। और हमारे साथ एक और बंदा है, छोटू हमारा। तो राजा भाई, छोटू कैसा लगा ज्वाइन करके? अच्छा लगा। तो बेसिकली जब ऑफिस में कब पहुंचे था? कल सुबह जल्दी पहुंच गया था। हां, 9 बजे टाइम पे पहुंच गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद नीचे में थोड़ा सा वेट करा, देन ऑफिसर बुलाया था और मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जमा कर दिया, एंड देन वो एक स्टैम्प मार के वापस दे दिया। हां, जीरोस करके रख लेते हैं, दे देते हैं, वापस कर देते हैं, एक कॉपी दे दिया। उसके बाद इस छोटू को तो पूरा दिन बाहर बैठना पड़ा, इसकी मैडम जो थी सर छुट्टी पे थी, बोला था जी मैडम के लिए वेट करें, बट मैडम तो ये लकी है, इसकी जो ऑफिसर है मैडम है, मैडम आई नहीं था। एंड दोपहर 2 बजे के यूनियन रूम में, हां यूनियन ने 2 बजे बुलाया गया था, बुलाया गया था। एंड उसके तो कुछ यूनियन ने बहुत सारा लेक्चर उचर दिया, फिर फाइनली इसको भी सारा दिन बैठना पड़ा, बैठ के बस काट रहा था दिन वहां पे कुछ स्थान करने के लिए। एक सर को मेरे पास मिलाया था, हम 4:30 बजे के देर वो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और बोला के निकल। इसका भी इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब छापा मारने के लिए जाएगा कहीं पर, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे को भी ले जाना, ठीक है। तो फाइनली यही था ऑफिस में। तो जिनका जिनका भी इनकम टैक्स में स्पेशली हुआ है, तो यूनियन जो है, यूनियन ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि यूनियन बहुत हेल्प करता है आप लोगों को, ठीक है, बहुत गाइड करता है आपको, कहीं से भी अगर फंसते हो तो बचाता भी है आप लोगों को, मिस्टेक इंटेलिजेंट हो गए फंस भी सकते हो।
तो बहुत बचाता आप लोगों को। तो डेफिनेटली ये मेरे दो रूम पार्टनर है, इनके साथ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे गुड़गांव में। तो आगे अब जिनका जिनका ज्वाइनिंग आने वाला है, चाहे टी वी आने वाला है, तो वेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, बस थैंक यू।